उर्फी को करेगी मुंबई पुलिस गिरफ्तार। राखी का फाल्गुनी पर आया दिल। कौन सी खिचड़ी पक रही है शालीन ईशा के बीच? इस हफ्ते किन किन खबरों ने बटोरी सुर्खियां? चलिए जानते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्ट टेली रैप में। उर्फी जावेद अपने बोल्ड कपड़ों के लिए जानी जाती है। वही उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हुआ, जहां पुलिस उर्फी को अरेस्ट कर रही है और उन्हें गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है। लेकिन बाद में उर्फी ने खुद बताया कि ये उनका फैशन ब्रांड के प्रमोशन का हिस्सा था, जिसके बाद अब मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एल्विश यादव के खिलाफ FIR दर्ज हुई। उन पर आरोप था कि उन्होंने रेव पार्टी का आयोजन किया, साथ ही स्नेक वेनम का बिजनेस किया। हालांकि बाद में एल्विश यादव ने वीडियो शेयर किया और इस खबर को फेक बताया। क्या कहा एल्विश ने, डालिए उस पर एक नजर। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। मनीषा रानी ने फुकरा इंसान और एल्विश के रीयूनियन पर जाहिर की अपनी खुशी। सुनिए टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में मनीषा ने क्या कहा। हाँ, मैंने कल ही पोस्ट देखा था तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो दो लोग फाइनली मिले। और उसमें कमेंट भी मैं पढ़ रही थी कि जिसमें लोग कह रहे थे कि वैसे तो कुछ दिन पहले ये दोनों के फैंस मनीषा को कुछ कह रहे थे और अभी क्या है, तो चलो एक होता ना फैंस का भी वो क्लैरिटी हो जाएगा कि यार हम लोग तीनों कहीं ना कहीं मतलब अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं, तो फिर आपस में किसी भी फैंस को लड़ने का कोई जरूरत नहीं है। अंकिता लोखंड ने बिग बॉस 17 के घर में मुनव्वर से बात करते हुए सुशांत सिंह राजपूत से अपने ब्रेकअप की कहानी बताई। अंकिता ने कहा कि एक दिन अचानक सुशांत आया और उन्होंने ब्रेकअप की बात की। ब्रेकअप के काफी महीनों तक अंकिता बुरे दौर से गुजरी। लॉकडाउन के वक्त सना खान ने शोबिज को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, जिसके बाद अब टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने की वजह बताई है। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैं यूथ को, जवान बच्चे बच्चियों को मिसगाइड कर रही हूँ, ये मेरा मानना है ना, हर किसी का अलग मानना हो सकता है, कि मैं अगर ऐसे कपड़े पहन रही हूँ और ये बता रही हूँ कि ये पहनने में एम्पावरमेंट है, तो यंग बच्चियाँ, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो तो सोच रही है ना कि यही सही है और यही फैशन है। सी टुडे व्हेन यू हैव एन इन्फ्लुएंस, इवन इफ इट्स लिटिल, अगर मेरी बिल्डिंग में भी मेरा इन्फ्लुएंस है हाइपोथेटिकली, वो मैटर करता है, और अगर वो इन्फ्लुएंस नेगेटिव है तो नुकसानदेह हो गया ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी जात से लोगों को नुकसान पहुंचा रही हूँ, ये मेरा मानना था कि बच्चियाँ मुझे देख के ये कर रही है, लोगों को लगता है मैं बहुत सारे वर्ड्स बोल नहीं पाती बिकॉज मुझे अब वो चीज़ बोलने शर्म आती है टू बी ऑनेस्ट, तो मैं ये चीज़ कर रही हूँ, ये लोग देख रहे हैं, ये से सही समझ रहे हैं। झलक दिखला जा 11 इस महीने में ऑन एयर होगा। इसी बीच कंटेस्टेंट्स के पहले परफॉर्मेंस का लुक सामने आया। बेकाबू सीरियल के वक्त से ऐसी खबरें आ रही है कि शालीन ईशा को डेट कर रहे हैं। वही जब मीडिया वालों ने शालीन से ये सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे अभी 3 दिन पहले पता चला कोई और ही, मैं बता रहा हूँ कौन किसको डेट कर रहा हूँ, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे को 2 दिन पहले पता चला, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ कभी, मैं अभी किसी पार्टी में था, मुझे पता चला मैं उनको डेट कर रहा हूँ, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। तो ये जो डेटिंग है ना, ये बड़ा कमाल है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं सबको डेट कर रहा हूँ, मैं वो क्या लोग नॉट एट ऑल लॉयल। राखी सावंत लॉयर फाल्गुनी के बर्थडे पार्टी में पहुंची थी, जहां उन्होंने फाल्गुनी को ऐसे किस किया कि सभी देखते ही रह गए। आप भी देखिए ये वीडियो। अंजलि ने हाल ही में बिग बॉस 17 में समर्थ की एंट्री पर रिएक्ट किया था, साथ ही उन्होंने बातों ही बातों में मुनव्वर को टॉन्ट मारा था और लिखा, जो ईशा को इतना ज्ञान दे रहे हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन, दुनिया जानती है उसने खुद ने कितना सच बोला था।
टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में आकांक्षा ने फुकरा इंसान और उनके रिश्ते की बताई सच्चाई। डालिए उस पर एक नजर। प्लीज अभिषेक को छोड़ दो यार, कभी उसका नाम किसी के साथ, कभी मेरे साथ, उसे डिसाइड करने दो कि वो डेट किसे कर रहा है। बट नोइंग हिम मुझे लग रहा है वो सिर्फ अभी अपने काम को डेट कर रहा है और मैं भी अपने काम को डेट कर रही हूँ। Because I think ये एक relationship है जो सबसे ज़्यादा loyal रहता है। बाकी मुझे तो ऐसा loyal लड़का मिला नहीं, जब मिलेगा तो मैं वो हूँ जो डंके की चोट पे आपके सामने उसके हाथ पकड़ के आऊँगी और बोलूँगी कि yes I am with him। तो मैं छुपाने में believe नहीं करती, अगर किसी के साथ हूँ तो हूँ। तो क्या कहना है आपका इन टॉप 10 खबरों पर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टेली मसाला।